अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। छात्र का नाम रेशन गिरीश बताया जा रहा है। आज ही सुबह दो छात्रों के आत्महत्या का मामला सामने आया था और अभी अभी एक और छात्र ने अपनी जान दे दी है। कुर्ला की घटना है ये, मुंबई के कुर्ला इलाके की घटना है ये। अकेले जनवरी के महीने में मुंबई में लगभग दो दर्जन लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें छात्रों की तादाद सबसे ज्यादा है। मुंबई में छात्रों की आत्महत्याओं का मामला थमता नजर नहीं आ रहा और अभी अभी ये खबर मिली है कि मुंबई में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मुंबई के कुर्ला इलाके की घटना है ये। छात्र का नाम रेशन गिरीश बताया जा रहा है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार से। जी राजेश, बताइए क्या ज्यादा जानकारी है। देखिए अनुपमा, ये 8 बजे की घटना बताई जा रही है। जो पुलिस से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये रेशिन गिरीश कशवे नाम का ये छात्र था, 12वीं में पढ़ता है, 17 साल इसकी उम्र थी। अंबेडकर कॉलेज है वडाला में, वहाँ 12वीं का छात्र था ये। शाम को करीब 8 बजे जब ये घर में अकेला था, तब इसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। उस वक्त घर में कोई नहीं था। अब जब इसकी माँ बाजार से आई और उन्होंने दरवाजा खोला, तब जाके ये पूरी बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस जो है वो कारणों का पता लगा रही है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से गिरीश ने आत्महत्या की। और फिलहाल कोई सुसाइड नोट अभी उसके पास से बरामद नहीं हुआ है। जी अनुपमा जी, राजेश जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और छात्र ने मुंबई में अपनी जान दे दी है। मुंबई के कुर्ला इलाके की घटना है ये। छात्र का नाम रेशम गिरीश बताया जा रहा है। कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया है। पुलिस अभी साफ तौर पर कुछ नहीं बता रही है। आज दिन में ही दो और छात्रों ने आत्महत्या किया था।